प्यारे बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के सामने कक्षा छठी के द्वितीय अध्याय बचपन को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर एक इंसान का बचपन रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें अपने बचपन की यादें जो है वो आती हैं कि बचपन में हम क्या करते थे, कैसे खेलते थे, क्या पहनते थे, क्या उड़ते थे। तो वो सारी चीजें जैसे हम बड़े होते हैं तो वो सारी एक याद के रूप में रह जाती है। ठीक उसी प्रकार इसके जो लेखक हैं, इसकी जो लेखिका हैं कृष्णा सोपती जी, उन्होंने भी अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। तो प्रथम इसका परिचय दिया हुआ है लेखिका का, तो इसको आप खुद थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे इस कहानी के बारे में। अब इसका करेंगे हम लोग सार। लेखिका अपने बचपन की कहानी लिखते हुए बताती है कि मैं आप सबसे बहुत बड़ी हूँ, किसी की मैं दादी, नानी अथवा मौसी भी हो सकती हूँ। सभी लोग मुझे जीजी कहकर बुलाते थे। मेरे पहनावे में काफी बदलाव आ गया है। अब देखो, जैसे जैसे लेखिका बड़ी हो गई, अब यानी कि वो इस उम्र में पहुंच गई है कि उनको कोई दादी भी कहता है, कोई नानी भी कहता है, कोई मौसी भी कहता है, उनको कोई जीजी कहकर भी बुलाता है। तो कहती है अब मेरे पहनावे में भी बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो किसी और तरीके की ड्रेसअप करते थे। जैसे आप लोग जब छोटे होते हो तो आपका ड्रेस सेंस कुछ और होता है, जैसे आप बड़े हो जाते हो आपका ड्रेस सेंस कुछ और हो जाता है, वैसे ही उनका भी बदल गया। बचपन की पोशाकें मुझे अभी भी याद हैं। लेखिका को दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे उसके साथ सफेद कोटी। यानी कि उनको इतना भी याद है कि वो किस कलर के ड्रेस पहनते थे। बचपन में लेखिका को अपने काम स्वयं करने पड़ते थे। हर शनिवार को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। जैसे बड़ी हुई हैं, जो चीज़ें उनको बचपन में पसंद थी अब नहीं, अब चेंज हो गया। कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पैटीज में बदल गया है। कहते हैं कुल्फी जो छोटे होते वो खाते थे, वो उसको लोग आइसक्रीम कहते हैं, अब कचौरी को लोग समोसा पैटीज कहते हैं। शहतूत और फाल से खसखस के शरबत में को पेप्सी। तो कहती है शहतूत जो था वो फाल से में बदल गया, खसखस के जो शरबत थे वो कोक पेप्सी में बदल गया। शिमला के काफल भी बहुत याद आते थे। छुटपन में शिमला पीस पर हमने बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। लेखिका कहती है कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करते थे, जिसकी शोरूम में शिमला कोलकाता ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। यहाँ पे लेखक अपनी बचपन की यादों के बारे में बता रहे हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता था। बच्चे उन्हें देखने बाहर निकल पड़ते थे। शुरू शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बड़ा अच्छा लगता था। उसकी चचेरे भाई उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। आप लोग जानते हैं जब छोटे बच्चे कभी चश्मा लगा लेते हैं तो उनके भाई बहन जो है वो उनको चिढ़ाते हैं। अब तो चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है, क्योंकि वो उस समय चिढ़ाते थे अगर जिसको चश्मा लगा, थोड़ी देर के लिए उसके लिए हंसी मजाक होता, लेकिन बाद में वो यही कहें कि ये बंदा जो है वो चश्मे के साथ ही पैदा हुआ, ऐसा हो जाता। अब लेखिका टोपी पहनना पसंद करती है। लेखिका ने कई रंगों की टोपियां जमा कर ली हैं। अब हम लोगों ने कर लिया है सार। अब सार के बाद आ जाएगी इसकी गद्यांश की व्याख्या, यानी कि इसके पैराग्राफ की व्याख्या। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि
अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही शालों का इलाज शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लेखिका जो है वो बताते हैं कि वो इतवार की सुबह हमेशा अपने जूते जो थे वो चमकाते थे। तो यहाँ पे लेखिका बताते हैं कि मुझे आज भी अपने बूटों को स्वयं पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम बड़े हो जाते थे हम कहते हैं कि वो जो छोटे होते काम करते थे अब वो काम करने हमें अच्छे नहीं लगते, सूट नहीं करते, लेकिन उनको आज भी वो चीज़ जो है वो पसंद है। हालांकि नए जमाने में नई किस्म के बूट और जूते मार्केट में आ गए हैं। हमारे पहले जूतों से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, परंतु अपने हाथों से बूटों पर पॉलिश से चमकार चमक लाना लेखिका को अभी भी बहुत पसंद है। कहते हैं कि बाजार में काफ़ी अलग अलग किस्म के जूते जो हैं आ गए हैं, लेकिन उनको अभी भी अपने बूटों को खुद पॉलिश करके चमकाना अच्छा लगता है। लेखिका कहती है कि पहले जूते सख्त होते थे, आरामदायक नहीं होते थे, जब भी नए जूते पहनते पाँव में छाले पड़ जाते थे। जूतों के साथ साथ शालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब नए शूज़ लाते थे तो लगता था कहीं से टाइट है या कुछ है, तो वो उसका इलाज पहले ही कर लेते थे। नेक्स्ट है, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट का टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले लेके खाती। अभी यहाँ पे लेखिका ने बताया कि वो बचपन में क्या खाते थे, क्या चीज़ें उनको पसंद थी। तो यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे मिलते थे। मेरे पास चॉकलेट टॉफियों का काफ़ी स्टॉक रहता था, अर्थात मैं काफ़ी मात्रा में चॉकलेट जमा करके खाती थी, क्योंकि बाजार में खड़े खड़े मैं कभी भी चॉकलेट नहीं खाती थी। घर आकर साइड बोर्ड पर चॉकलेट रख देती थी और जब रात का खाना खाते खाने के बाद बिस्तर में जाते तब लेट कर चॉकलेट का मज़ा जो थे वो लेती थी। नेक्स्ट है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पार से मालूम करके लिखो। अब ये बताना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी लेखिका में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए उनमें। तो पहले वो क्या करते थे, कहते पहले वह गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, परंतु अब उनका मन सफ़ेद कपड़े पहनने का होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, पहले जितने बंदा डार्क कपड़े पहनता है जैसे वो उम्र में बड़ा होता है वो थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करता। पहले लेखिका टोपी पहनना पसंद नहीं करती थी एवं अब उन्हें टोपी पहनना बहुत अच्छा लगता है। पहले उन्हें चश्मा पहनना वो अच्छा नहीं लगता था, परंतु अब चश्मे के बिना उनका चेहरा खाली खाली लगता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो लेखिका में अभी बदलाव में आई। नेक्स्ट है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। नेक्स्ट है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस कहकर लेखिका क्या क्या बताती है, अब कहती है लेखिका क्या कहती है यहाँ पे कि मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हमारे समय में, मतलब उनका जो समय था और हमारा जो समय है, इसमें अब क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या मतलब चेंज हुए हैं। कहते उन दिनों ग्रामोफोन थे, अब उनके स्थान पर रेडियो और टेलीविजन आए हैं। ये आप लोगों ने अपनी दादी नानी किसी से सुना भी होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था और अब उसमें क्या चेंज हो गया। कुल्फी आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसे में बदल गई है, पैटीज में बदल गई है, शहतूत और फालसी और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। चने और अनारदाने का चूरन आजकल के चिप्स में बदल गया है। तो कहने का मतलब वो जो चीज़ें पहले हुआ करती थी अब उन्हें का जो रूप है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो जब लेखिका बचपन में चश्मा लगाती थी तो उनके भाई जो थे वो उन्हें छेड़ते थे, क्यों छेड़ते थे। कहते नज़र का चश्मा अंग्रेज डॉक्टर ने बनाया था क्योंकि दिन की रोशनी को छोड़कर वह टेबल लैम्प के सामने काम करती थी, इसलिए नज़र कमज़ोर हो गई थी। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता तो देखने वाले को थोड़ा अजीब लगता ही है,
इसलिए जब लेखक ने पहली बार चश्मा पहना तो उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ने लगते हैं और उन्हें चश्मा चढ़ाते उन्हें हमेशा चढ़ाते थे। नेक्स्ट है, लेखक बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेके खाती थी और उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखे। तो यहाँ पर है कॉफल, चेस्टनट, रसभरी, चॉकलेट इत्यादि। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो पाठ है ये खत्म हुआ। इसमें आप लोगों ने स्टार करना है और इसकी प्रश्न उत्तर जो है वो आपने करनी है। धन्यवाद।